मैट्रिक परीक्षा 2024 दरभंगा जिले में विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू किया गया। 15 फरवरी 2024 से लेकर 23 फरवरी 2024 तक यह परीक्षा चलेगी। परीक्षा देने के लिए परीक्षार्थियों की काफी भीड़ थी। दरभंगा सदर क्षेत्र अंतर्गत कुल 48 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जबकि बेनीपुर के लिए 6 परीक्षा केंद्र और बिरौल अनुमंडल क्षेत्र के लिए 8 परीक्षा केंद्र बनाया गया है। तमाम परीक्षा केंद्रों पर हजारों की संख्या में परीक्षार्थी परीक्षा देने पहुंचे थे। यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिला स्कूल दरभंगा परीक्षा केंद्र की, जहां दूसरी पाली की परीक्षा के लिए 924 परीक्षार्थियों का परीक्षा केंद्र बनाया गया था। प्रत्येक दिन दो पालियों में परीक्षा ली जा रही है। मैट्रिक परीक्षा का प्रथम पाली का समय सुबह के 9:30 बजे से लेकर दोपहर के 12:45 तक है। वहीं दूसरी पाली का समय 2 बजे से शाम के 5:15 तक निर्धारित किया गया है। हम आपको जानकारी दे दें कि 16 फरवरी 2024 शुक्रवार को दोनों ही पालियों में गणित की परीक्षा ली जाएगी। अच्छा, यहाँ पे क्या कुछ दिक्कत लग रहा है? भीड़ बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा भीड़ है। क्या दिक्कत हो रहा है इसमें? बहुत दिक्कत हो रहा है, भीड़ है, इसलिए हम कुछ नहीं कहेंगे। व्यवस्था में सही है, बहुत अच्छा है। हम लोग 2 घंटा से यहाँ खड़े हुए हैं। क्या व्यवस्था पे क्या कहेंगे, कैसी व्यवस्था है यहाँ पे? चीर के मोर के कितनी भीड़ है यहाँ पे परीक्षार्थियों की? कितनी भीड़ है? बहुत ज्यादा परीक्षा केंद्र। परीक्षा केंद्र कौन सा है? परीक्षा केंद्र का नाम बता। कहाँ से आप लोग, कहाँ से एग्जाम? एग्जाम किस चीज का है आप लोग? अच्छा, कितनी भीड़ है, कितनी दिक्कत हो रही जाने में? ठीक है, कितनी दिक्कत हो रही जाने में यहाँ पे? कहाँ एग्जाम देने, कहाँ किससे आए? दिक्कत हो रहा है। दरभंगा के उप विकास आयुक्त चित्रगुप्त कुमार की अध्यक्षता में दरभंगा समाहरणालय अवस्थित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सभागार में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। वहीं आयोजित बैठक में कई संबंधित पदाधिकारियों ने भाग लिया। इस बैठक में उप विकास आयुक्त ने कई ऐसे कर्मियों को अपने कार्य के प्रति सजग नहीं रहने पर फटकार भी लगाई। कहा, सरकार ने आप लोगों को पंचायत स्तर के पदाधिकारी बहुत उम्मीद के साथ बनाया है, इसलिए आपको बैठे नहीं रहने देना है। आपके ऊपर बहुत जवाबदेही है, अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाइए। पंचायत राज विभाग के योजनाओं के सहित अन्य सरकारी योजना चल रहे आई कार्ड प्रगति की योजनाओं की समीक्षा करते हुए उप विकास आयुक्त दरभंगा चित्रगुप्त कुमार ने कई दिशा निर्देश भी दिए। दरभंगा के शहरी क्षेत्र में विकसित भारत संकल्प यात्रा का रथ दरभंगा के जेपी चौक स्थित लक्ष्मी सागर के वार्ड नंबर 13 में पहुंचा, जहां जहां दरभंगा के क्षेत्रीय प्रचार निदेशक मिहिर कुमार झा ने लोगों को प्रधानमंत्री के सभी सरकारी योजनाओं के बारे में, उनके लाभ के बारे में बताया और लोगों को जागरूक करने का काम किया। दरभंगा के पूर्व महापौर और कार्य समिति के सदस्य गौरी पासवान ने लोगों को केंद्र सरकार की लाभकारी योजनाओं की जानकारी दी और वेबकास्टिंग से केंद्र सरकार की योजनाओं से अवगत करवाते हुए लोगों के बीच केंद्र सरकार की योजनाओं से संबंधित कैलेंडर का वितरण किया। इनके अलावा नरेश कुमार झा, SBI शाखा प्रबंधक ने भारत सरकार की सभी योजनाओं के बारे में जानकारी दी और लोगों से निवेदन किया कि सभी लोग अपने आसपास और ग्रामीणों को जागरूक करें और उन्हें योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करें। BJP के नगर अध्यक्ष मनोज कुमार झा ने भी लोगों को सरकार के विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी और लोगों को शपथ भी दिलवाई। मैं यहाँ प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत संकल्प यात्रा के रथ के साथ आज यहाँ उपस्थित हूँ। जो भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों में जो प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जा रही योजनाएं हैं, PMEGP है, PMSME है, स्टैंड अप इंडिया है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, इसके बारे में लोगों को बताए हैं। और जो कुछ इंश्योरेंस से रिलेटेड है, जो 20 रुपये में उनको 2 लाख रुपये का एक्सीडेंटल कवर होता है, 375 रुपया में 2.5 लाख रुपये का एनी टाइप्स का कैजुअल्टीज उनका कवर होता है, उनके बारे में बताए। और लोगों से आग्रह किए कि इस बैंक की घटना पे आकर उनसे जो भी रिलेटेड स्कीम्स होंगे उनका वो बेनिफिट होता है। मोदी जी ने अनगिनत योजनाएं चलाई है, सैकड़ों से भी ऊपर योजनाएं चलाई है,
और सबसे बड़ी बात है कि योजना का लाभ हमेशा उस आदमी को मिलना चाहिए जो उसका जरूरतमंद हो। हम लोगों ने भी लाभ लिया है बहुत सारी योजना का, जैसे बिजली जल का योजना है, राशन योजना में भी हम लोगों ने लाभ लिया है, दवा जो बहुत सस्ती मिलती है जन औषधि योजना के तहत उसका भी लाभ हम लोगों ने लिया है। और हमेशा यह कोशिश करते हैं कि जन जन तक यह बात पहुँचाएँ ताकि जो भी जरूरतमंद हो सबको यह लाभ मिल सके। बिल्कुल सर, अगर फिर से चले और सालों भर चले तो हम यही कहेंगे कि हर आदमी इस चीज़ के लिए उनका सहयोग करे, क्योंकि सहयोग से ही वो आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद है मोदी जी को। मोदी जी रहें और हमेशा रहें। 2047 तक हमारा भारत एक विकसित भारत बन जाएगा, विकसित राष्ट्र बन जाएगा। भारत सरकार के द्वारा, मोदी जी के द्वारा जो भी योजनाएं लागू की जाती हैं वो जन जन तक पहुंचे, एक एक व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए हम लोग प्रयासरत रहते हैं। उज्ज्वला योजना हुआ, ये सब का लाभ मैं ले चुका हूँ। हाँ, उसका योजना का लाभ लिया गया है। हाँ, किसान निधि का भी जो है सो कार्य चल रहा है और मोदी जी सब कुछ 6,000 रुपये जो उन्होंने बतलाया था वो कर रहे हैं और किसान भी इससे काफी समृद्ध और खुश हो रहे हैं। आयुष्मान के लिए भी काफी चर्चा में है और काफी लोगों का हो चुका है, काफी लोगों का हुआ है इसमें आयुष्मान भारत में। ये आपको वार्ड नंबर 11 में कार्यक्रम है। दरभंगा में जब भी कोई परीक्षा का समय आता है सड़क जाम की समस्या खुद पर खुद पड़ी हो जाती है। सड़क जाम की समस्या को लेकर दरभंगा ट्रैफिक व्यवस्था को काफी चुस्त और दुरुस्त होना पड़ेगा। ऐसा ही सड़क जाम देखने को मिला लहरिया सराय से दरभंगा की ओर जाने वाली मुख्य सड़क जिला स्कूल रोड में गुरुवार को। भीषण सड़क जाम को देख के मानो लगा जिंदगी रुक सी गई हो। हालांकि कई पुलिसकर्मी सड़क पर जरूर नजर आए लेकिन फिर भी सड़क जाम की स्थिति वैसी ही बनी रही। इस तरह की सड़क जाम की सूचना और भी जगह से गुरुवार को मिली और खास तौर पर जहां परीक्षा केंद्र बनाया गया है ऐसे स्थल पर सड़क जाम तो लगना आम बात है। इसको लेकर प्रशासन को एक रणनीति बनानी होगी और इसे चुनौती के रूप में स्वीकार करना होगा और इसके लिए कोई ऐसा आवश्यक कदम उठाना होगा ताकि सड़क जाम की स्थिति से लोग मुक्त हो सके। दरभंगा यातायात थाना पुलिस मार्किंग के द्वारा अलॉटमेंट कर सड़क यातायात नियमों का पालन करने को कहा गया। गुरुवार को अनाउंसमेंट किया जा रहा था जिसमें वाहन चालकों को अलॉटमेंट लाउड स्पीकर के माध्यम से यह सूचना दी जा रही थी कि आप लोग नो पार्किंग एरिया में या किसी भी ऐसे सड़क में अपने वाहन को नहीं लगाएं जहां जाम की स्थिति बनती रहती है या यातायात बाधित होता हो। अगर आप लोग यातायात नियमों का पालन नहीं करेंगे तो ऐसे में आप पर कार्रवाई हो सकती है और जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। साथ ही यह भी अनाउंसमेंट किया गया कि मोटरसाइकिल चालक हेलमेट लगाकर चले और दूसरे वाहन चालक अपनी सीट बेल्ट को भी लगाकर जाए। साथ ही अगर आपको दाएं या बाएं जाना है तो इंडिकेटर जरूर जलाएं। हेलमेट लगाकर चले, सीट बेल्ट लगाकर चले, दाएं बाएं मोड़े तो इंडिकेटर का प्रयोग करें, यातायात नियम को पालन करें, अवैध रूप से रोड पे गाड़ी खड़ा ना करें। आप लोग पुलिस प्रशासन की ओर से आपसे अनुरोध है कृपया सुरक्षित चले। गाड़ी रोड पे लगा हुआ रहेगा तो नो पार्किंग का फाइन काटा जाएगा।